बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा। क्या बोल रही है? सत्य कह रहे हैं। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से हैं। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तात्या, हम कहना नहीं चाहते, दिखाना चाहते। ये तो हमारी महारानी जी की कुंडली है। जी, इसी कुंडली को विलक्षण विलक्षण कहकर आपने रावबा को विवश कर दिया था मणिकर्णिका से विवाह करने के लिए। आयशी जी, इस कुंडली को संसार के किसी भी ज्योतिषाचार को दिखाइए, वे भी यही कहेंगे। क्षमा कीजिएगा आयशी जी, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आपको इस कुंडली में ऐसी क्या चीज दिख गई जो आप शंकित हो रही हैं? हम नहीं, कुंडली की स्वामिनी शंका उत्पन्न कर रही है। तात्या, यदि कुंडली इतनी विलक्षण है तो चरित्र भी तो विलक्षण होना चाहिए। अवश्य आयश्री जी, अवश्य। मैंने केवल कुंडली ही नहीं देखी बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य देखे जिन्हें आप देख ले तो इस विषय पर गदगद भाव से चर्चा कर। हमें विलक्षण नहीं, अशिष्ट, असभ्य और स्वार्थी दिखाई दे। तात्या, ऐसे गुण तो साधारण स्त्री को लांछित कर देते हैं, और ये तो झांसी की महारानी है। क्षमा कीजिएगा आयुष, हमारी महारानी जी ऐसे परिवार से आई हैं जिनके विद्वत्ता की चर्चा काशी से लेकर ब्रिटेन तक होती है, और मोरोपंत जी के सम्मान को। क्यों नहीं तात्या, ऐसे विद्वान और प्रकांड पंडित की चर्चा अब तो झांसी में भी शुरू हो गई है। आपने नहीं सुना? आप जरा दुर्गाबाई बाड़ा जाकर देखिए तो सही, वहाँ की प्रजा तुम्हें बता देगी कि कितने विद्वान और चरित्रवान हैं आपके मोरोपंत जी। असंभव, आयुषी जी, अवश्य ही आपको किसी ने भ्रमित किया है। मोरोपंत जी के चरित्र पर उंगली उठाना तो आयुषी जी, स्वयं महाराज जी मोरोपंत जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर दरबार में उन्हें मंत्री पद देने की बात कही। आयुषी, आप स्वयं सोचिए, क्या आपने कभी भी किसी दुल्हन को गठबंधन के समय काट जोर से बांध दीजिए ऐसा कहते हुए सुना? पंडित जी, काट जरा आप कस कर बांधे। आयुषी, कोई भी काट इतनी मजबूती से नहीं बांधी जाती कि उसे खोला न जाए। आयुषी, कई खेल धन के बल पर भी खेले जाते हैं। अवश्य मोरोपंत जी ने तात्या जी की झोली स्वर्ण मुद्राओं से भर दी होगी, और फिर कुंडली के ग्रहों की स्थिति को बदलने में
कितना समय लगता है ऐश्री, और इस बात को तो सभी जानते हैं, मनी करने का स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है। उस पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं ऐश्री। चुप रहो जानकी, अब तुम यशोधरा को शिक्षा दोगी, हमें सिखाओगी सब कुछ। इस महल में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारी दृष्टि से छुपा नहीं। और हाँ, जब भी हमसे बात करो सावधानी से किया करो। हम तो बस आप ही के हित की बात। हमारे हित की मत सोचो, अपने हित की सोचो, जो अब तक करती आई। आपने हमारे प्रति एक धारणा बना रखी है, हम उसे नहीं बदल सकते। आज्ञा दीजिए। आयश्री, आपको क्या लगता है, जानकी बाई तात्या जी के बारे में सही कह रही थी? मैत्री, तात्या जैसे पंडित से ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती। जी आयश्री, महल में कई लोगों से सुना है कि रानी लक्ष्मी बाई की कुंडली अत्यंत विलक्षण है। भोजन क्यों भेज दिया तूने? क्या तू नहीं जानती कोई भी पिता अपनी पुत्री के घर का भोजन नहीं लेता? तेरा दोष तो नहीं है इसमें, क्या करें? नियति हमसे कुछ खेल खेल रही है, कुछ अच्छा करती है हो जाता। लेकिन मामा, बताइए तो क्या हुआ? क्या बताऊं? तुमने ये भोजन भेजा? एक लड्डू खाया, उसके बाद कुछ याद नहीं। मठ से वापस आ गए, महल पहुंचते ही होंगे। जाओ जाओ बेटे, फिर कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।